हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन मोटिवेशन रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एन इंडिविजुअल टू अ सर्टेन गोल मोटिवेशन क्या होता है मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ठीक है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को सर्टेन गोल कोई भी एक गोल तक पहुंचने में हेल्प करती है या उसको वहां तक लेके जाती है यानी दिमागी तौर पर काम करती है कि नहीं भैया आपको वहाँ पे जाना है आपको वो काम करना है ठीक है तो इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ़ ड्राइविंग एन इंडिविजुअल अ सर्टेन गोल मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्सेज दैट स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट अ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के वे में देखा जाए तो जो मोटिवेशन है ठीक है वो फोर्सेज क्या होती है कि स्टार्टिंग से लेके ठीक है पर्सन को आ, ऑर्गेनाइजेशन में रखती है ठीक है एक ऐसी फोर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए किसी पर्सन को हेल्प करें ठीक है उन फोर्सेज के थ्रू उस साइकोलॉजिकल थिंकिंग के थ्रू ठीक है जो आपको मोटिवेट करती है मोटिवेशन वही होता है ऐसी फोर्सेज जो आपको कोई काम करने के लिए अचीव कर सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक है स्टार्ट करवाए वो काम ठीक है और एंड तक वहां तक आपको रख सके ताकि आप वो गोल अचीव कर सको उसको बोलते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन रेफर्स टू एन इंटरनल फीलिंग दैट हेल्प्स इंडिविजुअल इन अचीविंग देअर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल इन एन इन एन इफिशियंट मैनर मोटिवेशन क्या है एक इंटरनल फीलिंग है जो, जो कि किसी भी पर्सन को किसी भी इंडिविजुअल को उसके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है इफिशियंट तरीके से इन द बेस्ट पॉसिबल वे ठीक है तो वो होता है मोटिवेशन इट इज एन आर्ज टू बिहेव और मोटिवेशन को अगर हम देखा जाए तो एक तरह का अर्ज है अर्ज बोले तो लाइक स्ट्रांग नीड स्ट्रांग नीड ठीक है तो एक ऐसी स्ट्रांग नीड जो कि किसी पर्सन को इस तरह से बिहेव करने पे मोटिवेट बिहेव करने पे फोर्स करें एनकरेज करें ताकि एक पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सके यानी सेटिसफाई सर्टिन भी कंडीशन मतलब ये गोल हो गया किसी भी गोल कोई भी कंडीशन है उसको अचीव करने के लिए उसको सेटिसफाई करने के लिए एक स्ट्रांग फीलिंग स्ट्रांग नीड ठीक है आ, किसी पर्सन को बिहेव या फिर एक्ट करने के लिए एनकरेज करें ठीक है वो होता है